यूपी के जनपद बुलंदशहर में विधानसभा चुनाव से पहले गुलावटी पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री से बने और अधबने कुल 42 तमंचे बरामद कर अवैध तमंचों के 2 सौदागरों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों बदमाशों में एक बदमाश का लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड भी बताया गया है। बुलंदशहर पुलिस की हिरासत में खड़े दोनों शातिर बदमाश अवैध तमंचों के सौदागर हैं, जो गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में तमंचा फैक्ट्री चला रहे थे। पुलिस का दावा है कि बीती रात मुखबिर की सूचना पर गुलावटी पुलिस ने नगर कोतवाली क्षेत्र की अनाज मंडी स्थित गौशाला टी पॉइंट के पास बने गोदाम में छापा मारा। इसी दौरान शातिर बदमाश हनीफ और अयूब को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के अनुसार दोनों बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने तमंचा फैक्ट्री से 18 बने हुए और 24 अधबने तमंचे सहित उपकरण भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी हनीफ पर पूर्व में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि अयूब पर भी 2 मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। वहीं बुलंदशहर SSP संतोष कुमार सिंह का दावा है कि बने और अधबने कुल 42 तमंचे बरामद किए गए हैं और दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तमंचा फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे हथियारों को सौदागर बाजार में आर्थिक लाभ के लिए सप्लाई करते थे। फिलहाल गिरफ्तार किए गए दोनों शातिर बदमाशों को पुलिस ने जेल की काल कोठरी में भेज दिया है। देखिए, थाना गुलावटी पुलिस के द्वारा एक बहुत अच्छा गुडवर्क किया गया है। चुनाव के पूर्व एक अवैध सस फैक्ट्री बरामद की गई है, जिसमें 18 तमंचे बने हुए हैं, जिनमें 13 तमंचे 315 बोर के, 5 तमंचे 12 बोर के हैं, 14 अधबने तमंचे हैं जिसमें 315 बोर के 20 और 12 बोर के 4 तमंचे हैं जो अधबने हैं। तो इस तरह से एक बड़ी अच्छी उपलब्धि रही है। इन गिरफ्तार दो अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में इस अवैध शस्त्र को बनाने में जो भी उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, उन सब की बरामदगी की गई है। उल्लेखनीय यह है कि ये दोनों अभियुक्त रहने वाले यद्यपि गुलावटी थाना क्षेत्र के हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से जासना में रह रहे थे और 1 दर्जन से अधिक मुकदमे, इनमें से एक जो मुख्य अभियुक्त हनीफ है उसके खिलाफ है। गैंगस्टर का भी मुकदमा पूर्व से दर्ज रहा है। दूसरा अयूब जो है उसके विरुद्ध 2 मुकदमे इसके अतिरिक्त पूर्व के दर्ज रहे हैं। तो इस तरह से एक अच्छी रिकवरी है, गुड वर्क है और हम उम्मीद करते हैं कि इसका क्राइम पे असर पड़ेगा। अब देखिए, चुनाव में इस तरह की कोई आशंका नहीं है कि चुनाव में इनका इस्तेमाल होना था या नहीं। ये अब विशुद्ध रूप से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल तमंचे किए जाते हैं और चुनाव में इस तरह के असलहों के इस्तेमाल का कोई औचित्य प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता है, न ही इनकी बात से ऐसी कोई बात निकल के आई। Time 24 न्यूज़ के लिए बुलंदशहर से हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।